X5 का 1050 भी है, तो इसका प्रॉब्लम है आपका ओवरलोड आ रहा है शॉर्ट सर्किट। तो इसमें आपका देखिए ये मॉस्फेट थोड़ा जल चुका है इसमें, और बाकी इसका रिले भी ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, इसका जो ड्राइवर, शायद इसका ड्राइवर भी ख़राब होना चाहिए। तो पहले एक बार हम लोग इसका मॉस्फेट वगैरह लगा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मॉस्फेट ओपन करते हैं, फिर लगा के फिर दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें 105 भी लगा लेते हैं। तो 105 है, 3 105 लगा लेते हैं। लेग भी काट लेते हैं। तो अभी रीडिंग भी देख लेते हैं कितना आ रहा है इस तरफ, 466, 1415 करीबन आ रहा है। देखिए इस तरफ आपका 415 है, 719 करीबन आ रहा है, 15. तो इस तरफ पूरा ज्यादा हाई आ रहा है। थोड़ा डीसी ऑन करके देख लेते हैं अभी रिले वगैरह ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। देखिए इसका रिले वगैरह कोई ऑपरेट नहीं हो रहा है, और हम लोग इसका गेट भी देख लेंगे आ रहा है कि नहीं। ऑन कर दिया, तो देखिए कितना है। बीस वोल्ट पे कर चुका हूँ, देखिए फाइव वोल्ट आ चुका है इस तरफ, और इस तरफ देख लेते हैं कि ओवरलोड में चला जा रहा है। देखिए तो देखिए मेरा ड्राइवर भी शायद खराब है इसमें, इस तरफ गेट नहीं आ रहा है, आया हुआ है 4.7, और इस तरफ देख लेते हैं। सिक्स ठीक है, रिले भी खराब है, तो हम लोग इसका रिले भी बदल देंगे। ये 12 वोल्ट का रिले है, तो इसको डाल देते हैं। तो देखिए पीसीबी पूरा फिटिंग हो चुका है इसमें, तो अभी हम लोग डीसी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, डीसी ऑन हो चुका है, इसमें भी 12 वोल्ट शो कर रहा है, 13 वोल्ट। तो स्विच ऑन है, देखिए बैकअप भी आ चुका है, 220 वोल्ट बैकअप भी आ चुका है। ठीक है, अभी हम लोग मेंस देते हैं। देखिए मेंस 200 वोल्ट दे चुका हूँ, देख लीजिए मेंस। अभी आगे आते हैं, देखिए और आपका ठीक है चेंज भी हो गया, चार्जिंग एलईडी ब्लिंक भी कर रहा है, और एम्पियर देख लीजिए, चार्जिंग भी सही है आपका, 10 एम्पीयर में चार्ज हो रहा है, तो बिल्कुल ओके है। देख लीजिए यह है मॉडल, और इसका फॉल्ट था आपका 3 मॉस्फेट था, और आपका एक 12 वोल्ट जो छोटा वाला रिले है ये खराब हुआ था, ये व्हाइट कलर का, और 3 105 मॉस्फेट लगा है।